हाय एवरीवन। तो यार काफ़ी लोगों के सर पे ये टेंशन रहती है कि जो हमारे टेक्निकल इंटरव्यूज़ हैं, जो हम लोग फेस टू फेस एक इंटरव्यूअर के साथ बैठ करके देते हैं, क्या वो हमें इंग्लिश में ही देने पड़ेंगे? हम लोग हिंदी यूज़ नहीं कर सकते हैं? लेट अस से मुझे भी हिंदी आती है, इंटरव्यूअर को भी हिंदी आती है, तो क्या हम हिंदी यूज़ नहीं कर सकते हैं व्हाइल वी आर एक्सप्लेनिंग अवर कोड? सो वी विल बी लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दिस वीडियो एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट क्या आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और आनी भी चाहिए तो किस लेवल तक की आनी चाहिए, और उसको सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। वॉच द वीडियो टिल दी एंड, और वीडियोज़ को यार लाइक ज़रूर कर दिया करो, बिकॉज आप लोग के लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। सो वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू? क्या आप हिंदी यूज़ कर सकते हैं? सो द आंसर इज येस, इंग्लिश इज़ इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट यूज़ हिंदी इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज। एक्सेप्शनल केसेस वो हैं, लेट अस से आपकी कोडिंग बहुत ही एक्सेप्शनल है, आप लोग बहुत ही अच्छे हैं एंड यू डोंट नो इंग्लिश, तब भी आपको हायर कर लिया जाएगा बिकॉज ऑफ योर स्किल्स। बट क्योंकि इंग्लिश भी एक स्किल की तरह काउंट होती है, एंड वाई इज इट सो, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आप लोग ये मान के चलो अभी से कि येस, यू विल हैव टू गिव द इंटरव्यू इन इंग्लिश टू बी ऑन सेफर साइड। अब यहाँ पर आप लोगों को कोई चांस नहीं लेना चाहिए, ठीक है? यू शुड नो अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश सो दैट यू कैन एक्सप्रेस योर कोड। अब वाई इज इट इंपॉर्टेंट? तो यार सिंपल सा रीजन है इसका। इसका रीजन ये है कि यार वेन एवर यू आर बेसिकली इंटरेक्टिंग विद पीपल इन द ऑर्गनाइजेशन, नॉट एवरीबडी नोज हिंदी। कुछ लोग होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती होती है, और अगर आपकी कंपनी इंटरनेशनल है फिर तो आप लोगों को बाहर की ब्रांचेस से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बाहर के स्टेक होल्डर से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इन दैट केस यू विल हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश ओनली, राइट? तो इसीलिए इन इंटरव्यूज अगर 80% आपकी वेटेज है DSA की, बाकी सारी चीज़ों की, तो 20% वेटेज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की भी है, और कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, ठीक है? ये चीज एक इंटरव्यू में मस्ट हो जाती है। अब हाउ टू इम्प्रूव इट, हाउ टू वर्क अपॉन इट, क्योंकि हमने स्कूल्स में कॉलेजेस में कभी इंग्लिश में ज़्यादा बातचीत नहीं करी होती है। ऑल्दो हमारे स्कूल्स भी एंड कॉलेजेस भी इंग्लिश मीडियम होते हैं, बट हमने ज़्यादा बातचीत नहीं करी होती इंग्लिश में। तो हाउ टू वर्क अपॉन इट, ठीक है? तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपके पास 1 महीना या उससे ज़्यादा है, देन यू कैन डेफिनेटली कम टू दैट लेवल, जितना लेवल हमारे इंटरव्यूज में रिक्वायर्ड होता है उतने लेवल तक आप लोग आ जाओगे, ठीक है? 1 महीना, 1 महीना आप लोगों को रेगुलर ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट थिंग इज, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि यार डू पीयर कोडिंग। पीयर कोडिंग क्या होता है? आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ, बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ नहीं, 2 या 3 दोस्तों के साथ एक ग्रुप बना लेना होता है। तो उसमें आप लोग कोड करते हैं आपस में, आपस में कोड करते करते आप लोग अपना सॉल्यूशन अपने दोस्त को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ अपने दोस्त से आप लोग समझते हैं। डू दी एंटायर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, जो भी कन्वर्सेशन हो आपके बीच में, आपके दोस्तों के बीच में, वाइल एक्सप्लेनिंग द कोड, वाइल लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, दैट शुड बी इन इंग्लिश। नोबडी इज गोइंग टू जज यू, एंड इवन इफ समबडी जजेस, डोंट वरी अबाउट दैट। भूल जाओ कि आपको कोई जज कर रहा है, आप लोगों को अभी इंटरव्यू क्रैक करना है, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर दैट। आई नो अगर आप फालतू में ऐसे इंग्लिश बोलने लग जाओगे नॉर्मल कन्वर्सेशन में कॉलेज लेवल पर आकर के, थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कि यार फ्रेंड्स पीछे हंसेंगे, बट इफ यू कैन डू दैट, इफ यू कैन ओवरकम दैट, ठीक है, देन यू विल डेफिनेटली गेट टू अ वेरी गुड लेवल इन दिस 1 मंथ। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, देन एटलीस्ट जब आप लोग कोड वगैरह आपस में एक्सचेंज कर रहे हों, कोड वगैरह समझ रहे हों, तब आप लोग इंग्लिश में बातचीत कर लो, दैट वुड ऑल्सो हेल्प अ लॉट, ठीक है? डोंट वरी हु इज गोइंग टू जज यू। तो इस तरीके से यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इम्प्रूव योर इंग्लिश टू अ लेवल दैट यू कैन एक्सप्लेन योर कोड, यू कैन एक्सप्लेन योर आइडियाज़। आप लोगों की ग्रामर चेक नहीं होती है, फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा चेक नहीं होती है। अगर फ्लुएंसी है, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, इतनी ग्रामेटिकली करेक्ट हर इंटरव्यूअर भी नहीं होता है, फ्लुएंसी वगैरह है तो यस, इंटरव्यूअर विल से कि हाँ यार अच्छा है कैंडिडेट, बट अगर फ्लुएंसी नहीं है तो ही विल नॉट रिजेक्ट यू ऑन द बेस ऑफ दैट। अंटिल यू आर एबल टू एक्सप्लेन वॉट यू आर कोडिंग, यू विल गेट सेलेक्टेड, ओके? इतनी ही बस इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो लिख रहे हो ना, वो आपको बस एक्सप्लेन करना आना चाहिए इन इंग्लिश, और जो इंटरव्यूअर सजेशन दे रहा है या कुछ बोल रहा है आपसे, वो समझना आना चाहिए, दैट्स इट। तो यार देर इज ऑल्सो एन ऐप बाय द नेम कैम्बली, जहाँ से आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं बाय एक्चुअली टॉकिंग टू नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। तो मैंने भी ये ऐप ट्राई करी फॉर अबाउट 30 मिनट्स एंड मेरे को तो मज़ा आ गया। मतलब दे हैव वेरी फ्रेंडली नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, और वो आप लोगों को बीच बीच में ना बताते भी रहते हैं कि यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर ग्रामेटिकली आप करेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस सेंटेंस को किसी और तरीके से भी कैसे बोल सकते हैं। ना तो आपको जज करेंगे, ना ही आपको कोई हेजिटेशन वगैरह फील होगी। सो यस, फील फ्री टू यूज़ दिस ऐप एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दिस कैम्बली पे आप लोगों को काफ़ी सारे कोर्सेज वगैरह भी मिल जाएंगे टू प्रिपेयर फॉर मैनी इंग्लिश एग्जाम, जैसे कि आपका आईलेट्स होता है या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। सो अगर आपको इन कोर्सेज पे डिस्काउंट चाहिए, आप लोग लीड कोडिंग कोड यूज़ कर लेना, उस पर आपको 22% डिस्काउंट मिल जाएगा।
डेफिनेटली यू कैन गिव दिस ऐप अ ट्राई, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. सो मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू हियर, लेट अस मीट इन अनदर वन. थैंक यू.